नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज़। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के जिला करौली राजस्थान के जिला सचिव रंग कुमार जाटव ने कहा कि 22 जनवरी 2021 को रिलीज होने वाली फिल्म द मैडम चीफ मिनिस्टर में बहन कुमारी मायावती जी के चरित्र को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, बहुजन समाज के लोगों को झाड़ू थमाया है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। हम बहन कुमारी मायावती जी के चरित्र को इस तरह हनन नहीं होने देंगे। अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो बहुजन समाज के लोगों के साथ रोड पर होंगे, इसलिए हमारी विनती है और इस फिल्म के डायरेक्टर को खुली चेतावनी है कि इस तरह किसी भी बहुजन नेता का अपमान सहन नहीं करेंगे। जिला सचिव रिंकू कुमार जाटव, सुनिए उनकी जवानी। मैं रिंकू कुमार जाटव, हिंडौन सिटी करौली से, जो द मैडम चीफ मिनिस्टर के जो डायरेक्टर हैं सुभाष कपूर, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के गौरवशाली इतिहास को इस फिल्म के दौरान तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। मैं इस फिल्म का पुरजोर विरोध करता हूं तथा सुभाष कपूर जी को ये खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि बहन जी हमारा गौरव हैं और उनके जो कार्य हैं, आपने जो घिनौने जो गलत तरीके से बहन जी के गौरवशाली इतिहास को पेश किया है, ये बहुत ही अति निंदनीय है। और जो 22 तारीख को मैडम चीफ मिनिस्टर जो फिल्म रिलीज होने वाली है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, दूसरी बार खबर निकल के आ रही है इस फिल्म को लेकर। जी हाँ, भीमसेन नगर चीफ भाई नवाब सतपाल तबर ने लिखा है कि जो लड़की ऋचा चड्ढा चंद्र रुपयों के लिए अपनी एक एक पोशाक उतार दे, जो डायरेक्टर सुभाष कपूर फिल्म को हिट कराने के लिए अपनी बहन बेटियों को भी बिना कपड़ों के पर्दे पर उतार दे, वे लोग चंद्र रुपयों और प्रसिद्धि के लिए आयरन लेडी बहन मायावती जी को अपमानित कर रहे हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, यह बात कही है नवाब सतपाल तंवर, जो भीमसेना के चीफ हैं। देखते रहिए मिशन के बाद के साथ, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जवाहर, जय संविधान।